हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में दोस्तों आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी बाइक में आपको प्रॉब्लम हो जिसमें किक से चालू नहीं हो रहा, सेल्फ से गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा बिना बिना किक और बिना सेल्फ का गाड़ी आप लोग किस तरह चालू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका गाड़ी कहीं पर फंस गया है और आपको ढकेल के चालू करना है, ढलाव नहीं है या उखड़ खबर रोड है, तो आपको उस तरह में अगर चालू करना है गाड़ी तो आप एक आइडिया है, आप इस तरह आप चालू कर सकते हैं गाड़ी को। तो दोस्तों इसके लिए चलिए चलते हैं, आप लोग को वीडियो में पूरा दिखाते हैं किस तरह का आपका बाइक चालू होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोई सा भी गाड़ी रहे सबसे पहले उसको आप चालू कर लीजिए चाबी से, ठीक है। ये देखिए ग्लैम्बर का ये गाड़ी है, समझे ना, ये चार गियर का गाड़ी है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आप इसमें जो हम बताएंगे उस तरह आप समझा देंगे बाद में, हम आपको पहले दिखाते हैं आपको चालू करके, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप इसको गाड़ी को न्यूटन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो टैग सबसे पहले न्यूटन कर लिए दोस्तों, ये गाड़ी आपका न्यूटन हो गया, ठीक है। ये ग्लैम्बर का गाड़ी है आपका, और मेरा अपना गाड़ी का सर्विस सेंटर भी है, गाड़ी का अपना काम भी होता है दोस्तों। तो आप लोग हमेशा इस तरह एक एक वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, आपको अगर नया नया वीडियो चाहिए इस पर तो आप अपना फरमाइश कर सकते हैं, जिससे आप जो भी कमेंट में बताइएगा उस तरह का आपको गाड़ी से रिलेटेड आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको घर पे ही अपना गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों आप लोग को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को पूरा आपको लोगों को दिखाते हैं किस तरह गाड़ी चालू होगा। दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को न्यूटन कर लिए, न्यूटन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को गाड़ी को दो गियर में कीजिएगा, ठीक है। ये चार गियर वाला गाड़ी में, चार गियर वाला गाड़ी में आपको दो गियर में कीजिएगा, और अगर पांच गियर वाला गाड़ी है तो उसको तीन गियर में कीजिएगा। तीन गियर में भी कर सकते हैं, लेकिन तीन गियर में करने के बाद क्या होगा कि आपको गाड़ी थोड़ा सा रेसिंग उसका कम रहेगा ना, तो वो बंद हो जाएगा। तो आप दो गियर में अगर करके थोड़ा चालू करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए दोस्तों पहले एक गियर कर दिए दोस्तों, ये हो गया, देखिए न्यूटन से खत्म हो गया, एक गियर में हो गया, इसको दो गियर कर दिए दोस्तों, ये दो गियर में हो गया दोस्तों। दो गियर में आप चालू करना है, तो देखें उधर मेरा ये भाई साहब जो आपको है वो चालू करके दिखाएगा आपको दोस्तों। चलिए स्टार्ट कीजिए, ये देखिए दोस्तों गाड़ी चालू हो गया दोस्तों, एक्सीलेटर दो, समझ रहे हैं, ये गाड़ी आपका चालू हो गया है। दो गियर से इसको हम न्यूटन कर दे रहे हैं, समझे दोस्तों, ये न्यूटन हो गया आपका दोस्तों। ये देख लीजिए गाड़ी आपको कितना ईजी वे से दोस्तों स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो गाड़ी आपको कहीं भी फंस गया, कोई आदमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से गाड़ी को आप खुद ब खुद से आप चालू कर सकते हैं बिना किक और बिना सेल्फ, नो बैटरी नो सेल्फ, कोई चीज़ भी नहीं रहेगा दोस्तों, किसी चीज़ का जरूरत नहीं। आप खुद ब खुद से सिर्फ टायर को एक बार ऊपर सिर्फ आपको घुमाना है और वो देखो चालू हो गया। चलिए एक बार और मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको न्यूटन कर दीजिएगा, न्यूटन करने के बाद इसको दो गियर में डालिएगा दोस्तों, एक गियर और ये दो गियर आपका हो गया दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, एक गियर दो गियर, दो गियर में न्यूटन कर दी, इसको दो गियर में करते हैं, एक दो गियर हो गया दोस्तों। दो गियर में करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह चालू करना है। देखिए यहाँ पे आपको टायर को इस तरह पकड़िएगा, यहाँ पे हाथ दिख रहा होगा आपको, टायर को इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक है, और इसको ऊपर का ऊपर की ओर घुमाना है दोस्तों। देखिए चलिए घुमाइए घुमाइए नीचे चाप के, ये दोस्तों देखिए तो गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया दोस्तों, समझे ना, ये गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया, इसको न्यूटन कर दीजिए। ये देखिए गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आपको नया नया बाइक से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए दोस्तों आप लोग को मिलते रहेगा, समझे ना। तो नया नया वीडियो के लिए आप हमको कमेंट करें, कमेंट में आप जिस तरह का वीडियो चाहिए दोस्तों उस तरह का वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय।